पहले ही 70 साल पहले सेंसस शुरू हो गया था, जब यहाँ 70 साल के बाद जब ब्रिटेन 1801 में वहाँ शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने उसको शुरू करने की कवायद शुरू की। तो उस समय ये पाया गया कि यहाँ पर जो जाति है, जाति का जो जो जाति के भीतर जो लोगों की भावनाएं हैं वो कितनी गहरी है, डेप्थ है उसमें। तो इस पर कई लोगों ने रिसर्च किया और इसको सबसे पहले जो जनसंख्या के उस समय विशेषज्ञ थे वो एक रिसर्च पेपर मुझे मिला, उसमें वो बात बता रहे हैं कि जीएस घुरे साहब थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा कि जनगणना के दौरान जाति संबंधित सवाल पूछने से इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा ध्यान से, कि जातिगत सवाल पूछने से जातिगत चेतना बढ़ी है। यह इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी बात नहीं है कि आप जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप एक ऑनर फील करें। आप समझ रहे जिस स्थिति में आप थे उस समय कि आपको कहने में भी एक शर्म आ रही है, झिझक हो रही है, और उस समय आपका आप बता रहे हैं कि हाँ हम इस जाति के हैं और वो दर्ज हो रहा है, तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात के रूप में महसूस किया उस विशेषज्ञ ने। सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, मानवीय जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इंसानों की पूरी उनके व्यवहारों को समझते हैं, उसमें फिर उसके बाद कई लोगों ने इस पर काम किया, खासतौर से निकोलस डिकर्स ने काम किया, अर्जुन अप्पा धुरे ने काम किया, इस तरह से 2-3 लोगों ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया और वो जाति का सवाल तब इसमें आया। और जाति का सवाल जब आया तो आप मतलब आप उस समय का लिटरेचर पढ़िएगा, उस समय का लिटरेचर जब पढ़िएगा तो आपको ये हैरानी होगी कि छोटी छोटी जिनको हम जातियाँ करते हैं, छोटी छोटी संख्या में सब वो जातियाँ एक तरह से संगठित होने लगी, यानी कि ऑर्गेनाइज होने लगी और सबको अपनी ताकत का एहसास हुआ कि हम इतनी ताकत में हैं। मान लीजिए कि आप बहुत सारे जो बिरादरी के लोग हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में 25 गांव में हैं तो दुख के रहते हैं, 10 परिवार है, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, अरे भाई हम तो बहुत ही कम संख्या में। लेकिन जैसे ही वो फिगर आता है, जैसे ही वो तस्वीर एक आती है सामने कि हम 10,000 हैं, 15,000 है, तो आप समझिए कि उसकी ताकत में, एक इंसान की ताकत में उसमें कितना इजाफा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जाति जनगणना के साथ जुड़ी हुई। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि देखिए राजनीति का हो चुका है हिंदू का, और ये मैं बहुत सावधानी से बात को कह रहा हूं, आरएसएस का लक्ष्य था राजनीति का हिंदूकरण करना होगा। आज जो बिहार के में जो पहली चिट्ठी गई विपक्ष के नेताओं की ओर से, वो ऐसे ही नहीं चली गई कि आप हिंदू पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा की गिनती गिराइए, ऐसे ही नहीं चली गई, उसमें ये बात शामिल है कि आप जो हिंदूकरण है राजनीति का पूरा, उसके आप शिकार हो चुके हैं, उसका प्रभाव आप पर गहरे रूप में चला गया है कि आप चाहते हुए भी ये नहीं लिख पा रहे कि सारी बिरादरियों का होना चाहिए। जाति की जनगणना कर रहे हैं ना साहब, धर्म का नहीं ना कर रहे हैं, धर्म तो होता ही है पहले से, धर्म तो पहले से ही शामिल है, अब जाति की जब बात हो रही है तो आपको फिर कोई धर्म की बात नहीं लिखनी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें सिख भी है, सिख कहां जाएगा, सिख में पिछड़े और दलित नहीं है, और वो बौद्ध कहां जाएंगे, वो आपके जो ईसाई है वो कहां जाएंगे, उनमें पिछड़ा दलित नहीं है। तो मेरा कहना है कि ये राजनीति का हिंदूकरण के प्रभाव में जो पार्टियां अभी हैं उनको निकालना है। अब ये कौन निकालेगा, इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो है, और आप गौर से आप बहुत ही अपनी ताकत के साथ की बात को सुनिएगा, इसमें सबसे ज्यादा रोल आपका होगा, सबसे ज्यादा रोल होगा, क्योंकि एक तरफ जो हिंदुआइजेशन पूरी राजनीति का हो रहा है उसके सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई हो रहा है तो
इस बिरादरी के लोग हो रहे हैं, जो बिरादरी इस्लाम धर्म को मानती है लेकिन वो पिछड़ी है, पिछड़ी जातियों की है, जो दलित जातियों की है उसको सबसे ज्यादा उस पर असर हो रहा है। ऊपर से दिखाइए, एक बिरादरी का इसमें नाम, मैं चाहूंगा कि और जोड़ ले, मैं एक कार्यक्रम में गया था, रंगरेज बिरादरी जो है ना बड़ी संख्या में, मैं गया था, इतने बड़े, इतने बड़े, इतनी संख्या में लोग जुटे थे कि हम आपको क्या, पूरे दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग। तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एकजुट होकर एक बात को बहुत जोर शोर से सबको बोलिए। हाँ, एक बारीक बात देखिए, एक बिंदी जो होती है ना नाम के साथ जाति के साथ, बिंदी जैसे गोंड गोड़, एक लंबा विवाद चला कि इसमें गोड़ है गोड़ है, बोलने में नहीं आपको फर्क समझ में आएगा, लेकिन ढ लिखा हुआ है नीचे बिंदी नहीं है। तो ये बारीक खेल जनगणना के समय खूब होता है और इसका लाभ जो है वो उन जातियों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके यहां पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस बारीकी को नहीं समझते हैं, छल कपट नहीं जानते हैं, चलाकी नहीं जानते हैं, भोले भाले लोग हैं, तो बोल दिए वो नहीं, आपको लिखित में वो रखना है अपने पास। हर बिरादरी का संगठन देखिए बन गया, तो बिरादरी के लोग अपने नाम को एक ही तरह से लिखेंगे और जब जनगणना की आवाज लगाएंगे हम, तो उसके साथ साथ अपना वो जो पंपलेट अपने हाथ में जाति का नाम का उसको साथ में रखेंगे। ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, जो दर्द किस रूप में हो रहा है इसका हमको और आपको ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है रखना। और ये बात में एक लंबा जो तजुर्बा है जातियों के ठगे जाने का, जातियों के साथ जो बेईमानी होती है, अभी कई जाति ऐसी है जो लड़ रही है कि हमको शामिल ही नहीं किया गया, हमको होना था ट्राइबल में, हमको डाल दिया आपने कहीं और। तो ये सब जो चल रहा है अभी, अच्छा सबसे बड़ा खेल तो डिवीजन का ही चल रहा है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक खुराफात। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सामाजिक खुराफात है, जो कौन लोग चला रही है, जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और वो लोग सोशल इंजीनियरिंग चला रहे हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग सामाजिक खुराफात। हम जो सोशल इंजीनियरिंग चाहते हैं वो चाहते हैं सामाजिक शुरुआत, सामाजिक शुरुआत यानी हमको समाज बनाना। तो इस अंतर को थोड़ा हमको समझ लें। और ये जो पूरी जनगणना है इसको जोर शोर से आवाज हमको लगानी है, हमको पीछे नहीं रहना है, हमको सबसे आगे दिखना है कि हम मांग कर रहे हैं कि हाँ जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम और आप अभी बहुत पीछे हैं, आप लोग आगे आइए, निकलिए, हर जगह आवाज लगाइए, ये जरूरी है। आपने मुझे सुना, समय दिया, बहुत कम है, लेकिन मैं आवाज़